वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड पे बेस एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप अगर इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो इस वीडियो में से कुछ आप नया सीख कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में जो हमारे पास कॉमन है, जिसकी वजह से हम तीनों को स्टडी करते हैं, वो है सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल कंपाउंड। क्या? सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास? प्रेजेंट होता है किसमें? एल्डिहाइड, साथ ही में कीटोन में, और किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, तो इन सब में हमारे पास क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड यानी सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन क्या है? भाई भाई है। एल्डिहाइड और कीटोन आपस में भाई भाई है। एल्डिहाइड कीटोन एक ही फंक्शनल ग्रुप है, या आपको मैं समझाऊंगा कि एल्डिहाइड कीटोन है तो एक ही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, या सेम भी कह सकते हैं, बस थोड़ी सी आगे पीछे होने की वजह से आप एल्डिहाइड को कीटोन बना सकते हैं और कीटोन को एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके हमारे पास कुछ डेरिवेटिव है। तो चैप्टर की जो हेडिंग होगी वो कुछ इस तरह से है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड उसका भाई कीटोन, और साथ में है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड उसका यार कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तीनों में क्या बात है? सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड कैसा दिखता है? अगर सी एच ओ हो या सी डबल बॉन्ड ओ एच हो तो ये हमारे पास क्या आ गया? कार्बोनिल ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया एल्डिहाइड में? इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे भी आप घुमा के लिखिए। अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच है तो वो क्या होता है? एल्डिहाइड यानी कि सी एच ओ। कीटोन, तो कीटोन क्या है? अगर आप लोग आर जानते हैं, आर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होता है? CH3, C2H5, C3H7, .. यानी कि अगर एल्केन में से क्या करें, यहां पे थोड़ा मिटा देते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो एल्केन की हमारे पास जो होमोलोगस सीरीज है CH4, C2H6, C3H8, C4H10, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या हो गया? CH3। एक हाइड्रोजन क्या कम कर दिया? तो H6 से H5 और C3H7, तो ये क्या हो गया? एक कार्बन मिथाइल, दो है तो इथाइल, तीन है तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। तो अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर हम क्या कर दे माइनस, तो हमको क्या मिल जाती है? एल्किल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज मिल जाती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड के बारे में। अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है, यानी कि एक तरफ एल्किल ग्रुप, दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप, बीच में क्या हो? सी डबल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कीटोन। और ये हमारे पास क्या आया? कार्बोनिल ग्रुप आया कि नहीं आया? तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव। तो मैं ये वाला पार्ट रख के देता हूं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से होता है? हेडिंग लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH। दिखाते कैसे है? सी डबल बॉन्ड ओ एच। ध्यान से देखिए, इसमें भी हमारे पास क्या आया है? कार्बोनिल कंपाउंड। तो एल्डिहाइड में भी सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन में भी सी डबल बॉन्ड हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सी डबल बॉन्ड हो। अब डेरिवेटिव क्या होंगे? डेरिवेटिव, इसी OH की जगह अगर हम लोग क्या लगा दे? हैलोजन्स। और हैलोजन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? X से, एल्किल को R से।
एक्स यानी कि हमारे पास हो सकता है फ्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, हो सकता हो ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो। तो अगर सी डबल बॉन्ड ओ यहां पे हम लगा दिया एक्स यानी कि हेलोजन, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ए सी वाई एल एसिल, एच ए एल आई डी ई एसिल हेलाइड। तो ये क्या हो गया, इसमें देख सकते हैं आप लोग सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, तो एसिल हेलाइड भी हम लोग किस में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के अंदर पढ़ेंगे। अब यहीं पे अगर हमारे पास क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पे ओ एच लिखा हुआ था, ओ एच की जगह क्या लगा देंगे NH2, वैसे NH2 को हम लोग क्या कहते हैं, ए एम आई एन ई अमाइन, लेकिन सी ओ और यहां पर हमने क्या लगा दिया एन एच टू, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ए एम आई डी ई अमाइड। क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ यहां पे भी आया है, सी डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, और इसको भी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में पढ़ेंगे, अमाइड हो गया। अब इसके बाद हम लोग के पास क्या आता है, सी ओ एन एच टू, तो यहां पे अगर मान लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे क्या लगा था ओ एच, एच यानी हाइड्रोजन, और यहां एच हटाकर हम लोग क्या लगा दे आर, और आर हम लोग के पास क्या होता है, एल्किल ग्रुप था, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एस्टर, क्या कह देते हैं, ई एस टी ई आर। तो यानी सी डबल बॉन्ड ओ एच था, ओ एच हटाया, हैलोजन लगाया, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड यानी कि ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल फ्लोराइड, ऑयल आयोडाइड, जो होगा उस तरह से लगा देंगे। एच एल की जगह क्या लगा देंगे, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, सी ओ ओ एच जगह लगा दिया एन एच टू, अमाइड हो गया, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, सी ओ ओ एच, एच की जगह क्या लगा दिया हम लोग ने आर, आर यानी एल्किल ग्रुप। तो जब एल्किल ग्रुप लगा देंगे तो उसको क्या कह देते हैं, एस्टर कह देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने क्या बनाया, एसिल हैलाइड बनाया, अमाइड बनाया, एस्टर बनाया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था ही, साथ में उसके डेरिवेटिव में भी प्रेजेंट है, एक और डेरिवेटिव है जिसको हम लोग कहते हैं अनहाइड्राइड। कैसे बनता है अनहाइड्राइड देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH3COOH टू टाइप्स प्रेजेंट हो, क्या कर दिया, हीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को रिमूव कर देता है, तो यहां पे ऐसे गोला बना के ऊपर स्टार, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या कर देता है, वाटर को H2O को रिमूव कर, तो वाटर होगा रिमूव कैसे, हीट के साथ, तो जहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, जहां पे हमारे पास सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे भी ओ, यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और जब यहां पे आप गौर से देखेंगे तो एनहाइड्राइड में सी डबल बॉन्ड ओ एक कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप, तो इसको भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सर ये कुछ किस तरह से हुआ, तो एक्सपेरिमेंट ये देता हूं, रब कर देता हूं उसको मैं, ठीक है, कहां से करो, यहां से कर देता हूं, कैसे हुआ देखते हैं। सी एच थ्री सी ओ एच कितनी बार था, सी एच थ्री सी ओ ओ एच एक बार, सी एच थ्री हिल रहा है, सी ओ ओ एच दूसरी बार, कैसे लिख सकते हैं फोल्डर, सी एच थ्री सी ओ एच है ना, तो यहां पे मैंने लिखा सी एच थ्री मथिल सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ऐसे लिख दिया, और सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच क्या करेंगे, एच टू एसओ फोर डिहाइड्रेटिंग एजेंट को ले आएंगे और हीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वॉटर निकल गया, तो वॉटर हम लोग ने चुपचाप से निकाल दिया, क्या बचा ऊपर, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ए को, नीचे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा कार्बन हमेशा मजबूर है फोर बॉन्ड्स बनाने के लिए, ऑक्सीजन मजबूर है दो बॉन्ड बनाने के लिए। तो होता यह है कि यहां कार्बन का एक दो तीन चौथा बॉन्ड मिसिंग है,
इस कार्बन के 1, 2, 3, 4 बॉन्ड पर है, लेकिन इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड मिसिंग है। यानी कि ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड इसका नहीं है, कार्बन का भी 1 बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपस में ऑक्सीजन समझौता कर लेता है। कैसे समझौता करेगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑक्सीजन आ गया बीच में, ये ऐसे कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड, और इसको हम लोग कह देंगे क्या था, एसिटिक एसिड, क्या निकल गया, अनहाइड्राइड बन गया, वाटर निकल गया, तो लिख देंगे एसिटिक अनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड क्या किया, वाटर को निकाल दिया, किसकी वजह से, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव कर देता है। तो यहां से जब निकाला ना हम लोग ने H2, देखिए वहां पे H2 निकल गया, तो क्या दिक्कत हुई, ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड की कमी है, कार्बन को भी 1 बॉन्ड की कमी है, तो ये क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो जब आपस में बॉन्ड बनाया तो जहां ऑक्सीजन क्या हो गया, थोड़ा बीच में आ गया, ये कार्बन आपस में कनेक्टेड हो गए। इस तरह से ऑक्सीजन के 1, 2 बॉन्ड कंप्लीट, 1, 2, 3, 4 कार्बन के कंप्लीट, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस कार्बन के भी कंप्लीट हो गए। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, CH3CO ऐसे प्यार मोहब्बत से अच्छे से बना के, ठीक, क्या निकल गया, अरे 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 हिल रहा है, वाटर निकल गया। तो ये सब हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड, मिटा दूं इधर से, मिटा देता हूं, अरे अरे गंदा मिटता है, साफ नहीं मिटता। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कार्बोनिल कंपाउंड के बेताज बादशाहों को पढ़ा, क्या पहला, एल्डिहाइड, क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, दूसरा हम लोग के पास क्या है, कीटोन है, फिर हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, पहला डेरिवेटिव है ACYL, एसिल हैलाइड यानी OH हटा के हैलोजन लगा दिया, दूसरा है अमाइड यानी कि OH हटा के क्या लगा दिया, NH2 को लगा दिया, और यहाँ पे हमने हैलोजन को लगा दिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया था, कौन सा आया था, चलिए अनहाइड्राइड लिख दिया, फिर हमारे पास आया था अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड में हम लोग क्या करते हैं, -H2O कर देते हैं, और फिर हमारे पास क्या आया था, एस्टर आया था, एस्टर में क्या करते हैं, एच को हटा के आर यानी एल्किल ग्रुप को लगा देते हैं। तो इन सब में हमारे पास एक ही बात कॉमन है, क्या है कि इसमें कार्बोनिल सी डबल बॉन्डो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। अब हमारे पास जो रिएक्शन होती है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो एक मेन चीज आप लोग देख लीजिए जिससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा, क्या है, 10 में पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो मैं भी बता देता हूं। क्या है, अगर हमारे पास क्या है, एल्केन है, तो एल्केन के साथ क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, क्या होगा, बुरा लग गया, क्या करेगा, जिम विम जाएगा, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेगा, ऑक्सीडेशन करो, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, या K2Cr2O7। तो क्या हो गया, एल्केन बदलेगा अल्कोहल में, और अल्कोहल बदल जाएगा बहुत ही जल्दी किसमें, अगर KMnO4 ऑक्सीडाइजेशन करेंगे और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, KMnO4 या फिर K2Cr2O7। और जब तुम इसका करोगे भाई तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, CO2+H2O, क्या लिख दो जल्दी जल्दी, KMnO4/K2Cr2O7। तो ये बात समझ में आई कि हमारा एल्केन अल्कोहल में बदलेगा, अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलेगा, और एल्डिहाइड जल्दी जल्दी किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा।
कैसे बदलेगा? अगर ऑक्सीडेशन कर दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट के मेनो फोर क्यू, यहां देखिए ऑक्सीजन फोर टाइम्स है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टू सी आर टू ओ सेवन क्या हो गया? ऑक्सीजन सेवन टाइम्स है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, अब अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड का भाई हमने क्या बताया था? एल्डिहाइड, साथ में हमारे पास क्या होगा? कीटोन। तो अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है या कीटोन बनाना है तो हम इसको क्या बना सकते हैं? अल्कोहल से एल्डिहाइड को बना सकते हैं, या एल्केन या हेलो एल्केन से भी एल्डिहाइड को हम बना सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम एल्डिहाइड को बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर इस अगर एल्केन के लिए अल्कोहल बनाना है तो ऑक्सीडेशन, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो ऑक्सीडेशन, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो ऑक्सीडेशन। तो अगर उल्टा जाएंगे, अगर उल्टा जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन। यहां से यहां आना पड़ेगा तो रिडक्शन, और यहां से यहां भी आना पड़ेगा तो रिडक्शन। रिडक्शन क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत अच्छा सा हमारे पास क्या है? एल आई ए एल बी एच फोर, क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमको एल्डिहाइड चाहिए, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड चाहिए तो रिडक्शन, अल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए तो ऑक्सीडेशन, एल्केन से चाहिए तब भी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास एल्केन से हमको मिल सकता है एल्डिहाइड। कैसे करेंगे? बीच में ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन होगा तो अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और उसके बाद हमको कुछ नहीं मिलेगा, CO2 और H2 मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे बढ़ते गए, तो हमको एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। क्या किया हम लोग ने? ऑक्सीडेशन किया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 K2Cr2O7 KMnO4 K2Cr2O7। तो एल्केन अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं, अगर हमको एल्केन की प्रिपरेशन करनी है तो एल्केन को अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, एल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे। जब अल्कोहल पढ़ते हैं, अल्कोहल की प्रिपरेशन, तो हेलो एल्केन या एल्केन से अल्कोहल को कैसे बनाएंगे, अल्कोहल को ऑप्टेन करेंगे एल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल को कैसे ऑप्टेन करेंगे, या अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बारी आ जाएगी तो पूछा हम लोग करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इस तरह से हमारे पास प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 70% इक्वेशन इसी में आगे पीछे करने में निपट जाती है। उसके बाद कुछ जो अलग से प्रिपरेशन के मेथड होते हैं, एल्डिहाइड के या कीटोन के या अल्कोहल के, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? नियम रिएक्शन बोल देते हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हमारे पास होता है। चलिए इसी पे हम एक बेस आपको एक इस पे बेस में आपको एक वो करा देता हूं, जिससे आपको ये क्लैरिफाई हो जाए कि कैसे होगा। तो अगर 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 हमारे पास क्या है? इथेन है, और इथेन हम लोग के पास क्या होता है बोलो बच्चों? एल्केन होता है। तो मान लीजिए हमारे पास है C2H6, कार्बन कार्बन, और ये हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड कार्बन। तो यहां हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन कर दिया है, KMnO4 को भी भेज दिया है। तो क्या होगा? पहले तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन का, बोलो, लिख लो खुद की कॉपी में या मैं बोलूं। पहला क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बच्चों वाली बात हो गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अरे ये तो केजी वाली बच्चों की बात हो गई, बड़ों वाली बात बताओ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद नहीं रहता, ये याद नहीं रहता, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन रिमूव होगी, और इलेक्ट्रॉन भी हटेगा, रिमूव होगा या लॉस होगा, रिमूवल या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब सबसे पहले क्या होगा, क्या करेंगे? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी इसमें, तो कार्बन कार्बन यहां पे आ गया, एक ऑक्सीजन, बाकी जगह अपने प्यारे प्यारे हाइड्रोजन डाल पे बैठे हुए हैं। तो ये क्या था? C2H6 इथेन। क्या बदल गया? C2H6
ओ में, यानी कि एथेन ऑल में क्या हो गया, एल्केन से बदला एल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप्स क्या किया गया, ऑक्सीडेशन के एम एन ओ फोर की प्रेजेंस में, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो एक काम करते हैं आपको अच्छे समझाने के लिए, ओ एच वाला जहां पे एच कर दिया और यहां पे ओ कर दिया है, ठीक है, ओ एच अटैच क्या होगा, माइनस एच टू यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या निकल गई हमारे पास, माइनस एच टू निकल गया, तो ये जो हमारे पास था सी, यहां यहां पे हाइड्रोजन आराम से बैठे हुए हैं, ये सी है, यहां पे एच और यहां पे एक ऑक्सीजन है। बोला था मैंने ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाने के लिए मरता रहेगा, कार्बन चार बॉन्ड बनाने के लिए मरते रहेंगे, यहां इस कार्बन का एक दो तीन, ऑक्सीजन का एक, तो क्या करेंगे यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, जिस तरह से कार्बन के चार और ऑक्सीजन के दो बन जाएंगे, क्या बन गया CH3CHO, क्या हो गया CHO-aldehyde, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड हो गया, क्या नाम है, एथेनल, एथेनल। तो सबसे पहले इथेन की जर्नी कहां से शुरू हुई, ट्रांसफॉर्मेशन की, एल्केन से, फिर अल्कोहल बना, फिर अल्कोहल से एल्डिहाइड बना, और फिर जो उसकी लास्ट सक्सेसफुल जिसको जो बनना था, ऑक्सीडेशन करोगे किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, सीधी सी बात है, सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और फिर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास ऐसे क्या था, एथेनल था ना, सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा। तो हमको ये बात समझ में आती है धीमे धीमे, या समझ में आ गई पूरी तरह से, कि एल्केन अल्कोहल में बदला, अल्कोहल एल्डिहाइड में बदला, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला, किस तरह से एल्केन में एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो अल्कोहल, अल्कोहल में क्या करेंगे हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, तो इथेन, एथेनॉल, एथेनल और एथानोइक एसिड C2, 1, 2, 3, 4, H4, O6। तो यहां पे देख सकते हैं कैसे वो C2H6 था, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो एक ऑक्सीजन जुड़ गया। अब यहां का क्या हुआ हमारे पास, C2H4O, तो यहां पे H6 था, यहां पे H4 हो गया, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहां पे हमारे पास एक ऑक्सीजन जुड़ गया C2H4O2, तो यहां पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो ऑक्सीजन ऐड हुआ और ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह से ही हमारे पास होता है। तो बेसिकली जब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी प्रिपरेशन हो तो इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड है, या अगर आप रिवर्स कर दीजिए तो यहां पे रिडक्शन लगा दीजिए और रिड्यूसिंग एजेंट लगा दीजिए तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल और अल्कोहल से इथेन चेन आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर से अपने दोस्तों में और अपने सहेलियों और सहेलाओं में, यानी कि अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे वीडियो को ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और प्यार करते रहे। मेरा इंस्टा का पेज है फाइलोकेम के नाम से, तो उसको भी फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू।